एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस आज हम आपसे बच्चों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं उन्हें क्या खिलाएं जिससे वो हेल्थी हो उन्हें क्या ऐसा आहार दें जिससे वो आहारोस्ट स्ट्रॉन्ग हेल्थी और एकदम फिट रहें तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे आजकल क्या होता है आजकल जितनी मतलब महिलाएं हैं वो क्या करती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मार्केट की चीज़ें खिलाती हैं ज्यादा से ज़्यादा क्या करती है उन्हें मार्केट के जो हॉलडिक को कॉम्प्लान जैसे जो ड्रिंक्स हैं वो उन्हें दिए जाते हैं और इससे हमें क्या लगता है कि अगर हम इसे अपने बच्चों को पिलाएंगे तो उन्हें जो है सारे पौष्टिक आहार मिल जाएंगे इसमें बट ऐसा नहीं है हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम दस हमारा बच्चा किसी भी तरीके दूध नहीं पी रहा है तो किसी भी तरीके कॉम्प्लान और हॉलिक्स है इसको मिलाकर दे रहे तो हमारे बच्चे पी लें खाना भले नहीं खा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं किसी भी तरीके वो इन ड्रिंक्स को ले लें तो उनको ना पूरा उनका काफ़ी हो जाएगा आज इनका तो कोटा पूरा ही हो गया तो ऐसा नहीं है इन चीज़ों में बच्चों की ज़रूरत के सारे प्रोटीन मिले हुए हैं ऐसा हमें लगता है बट ऐसा नहीं है और आपको ऐसा लगता है ये सारे जितने ड्रिंक्स हैं ये हमारे बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी हैं बट आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है ये ड्रिंक उनकी सेहत के लिए उनकी सेहत के लिए काफ़ी नहीं है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ड्रिंक्स काफ़ी नहीं है आपको क्या लगता है ये हॉलिक्स और कंप्लान जैसे ड्रिंक्स आपके बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं उनको प्रोटीन उनको प्रोटीन जैसे पूरे आहार दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है क्या इसको लेने के बाद उन्हें किसी भी प्रोटीन की किसी भी पौष्टिक आहार की ज़रूरत नहीं है आपको ऐसा लगता है तो बट ये आपका भ्रम है अगर आपने अपने बच्चों को हस्तपुष्ट बनाना चाहते हैं उनको हेल्थी रखना चाहते हैं तो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो रूल मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने बच्चों को खुलाएं आपके बच्चे डेफिनेटली हेल्थी होंगे हस्तपुष्ट होंगे एकदम गोलू मोलू से दिखने लगेंगे तो फ्रेंड्स जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो अपने बच्चों को खिलाइए उससे आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके बच्चों को कोई भी डिजीज़ नहीं होगी ये सब आपके बच्चों को इस डिसीज़ से जो भी है जो भी बैक्टीरिया हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा करेगा बहुत अच्छी चीज़ें हैं आप इन्हें खिला खिलाएंगी। तो बच्चे जो आपके एकदम ये जो है ना आप जो भी चीज़ें उनको खिलाएंगी मैं आपको बताऊंगी एकदम सेफ्टी कवर की तरह आपके बच्चों को सुरक्षित रखेगा केला अगर आप अपने बच्चों को केला खिलाते खे हैं तो वो केला आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर बच्चों को क्या है कोई भी कैल्शियम की प्रॉब्लम है अगर उनमें कैल्शियम की प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो अगर आप बच्चों को कैल्शियम की कैल्शियम के लिए अगर उनको कुछ भी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं तो ऐसा कुछ मत कीजिए उन्हें नॉर्मली केला खिलाई केला में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है केले में क्या है भरपूर मात्रा में कैल्शियम पोटेशियम और विटामिन सी विटामिन सिक्स कार्बोहाइड्रेट ये सब पाया जाता है जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अगर आपका बच्चा जैसे दूध और दही नहीं खाता है या सब्जी नहीं खाता है पौष्टिक आहार नहीं लेता है, तो उसे आप केला ज़रूर खिलाएं एक केला तो ज़रूर उसे खिलाएं इसको इससे क्या होगा उसको सारे पौष्टिक आहार मिलेंगे जो भी कमी है उसकी ये सारे आप केला आप वो क्या है ना सारी पौष्टिक आहारों की कमी को पूरा करेंगे तो इसलिए आप उन्हें केला ज़रूर खिलाएं आगे है शकरकंद शक्रकंद बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर आप जैसे ना बच्चे जैसे शक्करकंद ना खाना पसंद करें तो आप उन्हें उबाल कर दीजिए उबाल करके शकरकंद को उबाल लीजिए फिर उसके बाद तो उसको मैस करके खूब उन्हें अच्छे से मतलब खिलाइए उन्हें दूध के साथ खिलाइए थोड़ा सा शक्कर वगैरह डाल दीजिए तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो उन्हें खाने में अच्छा लगे तो आप उन्हें वो खिलाइए अगर वो खाते हैं तो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही खिलाइए उन्हें कोई प्रॉब्लम की बात ही बस ये उनको शकरकंद खाना चाहिए आपको उन्हें कैसे देना है वो आप उन्हें कैसे भी करके दीजिए और अगर क्योंकि अगर आपको अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है तो आपको इतना सब तो करना पड़ेगा कि उन्हें कुछ भी बहाने के साथ उन्हें इन सब चीज़ों को ज़रूर खिलाएं जैसे फिर क्या है ना संतरा जिन बच्चों का वज़न कम हो या आप उनके वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए उनके वज़न को बच्चों के वज़न को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उन्हें संतरे के जूस पिलाएं या संतरा खिलाएं तो उससे ज़्यादा होगा ना कि जिन बच्चों का वज़न कम है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इससे क्या होगा ना आपके बच्चे का वज़न अच्छा बढ़ जाएगा तो ये क्या है ना वज़न बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है जैसे जिन बच्चों की हड्डियाँ जो हैं टेढ़ी मेढ़ी होती हैं या कमज़ोर होती हैं तो अगर वो भी संतरे का जूस पिए तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अपना बच्चों को दालों पिलाएं तो उस सब दाल में प्रोटीन पाया जाता है दालों में क्या होता है भरपूर मात्रा में प्रोटीन मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन फाइबर पोटेशियम ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं तो अगर अपने बच्चों को आप दाल पिलाएंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा फायदा होगा उनके सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा लहसुन एक एंटी फेंटी एंटी फंगल समझ लीजिए एंटी बैक्टीरिया समझ लीजिए इस तरीके से बॉडी में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है तो अगर आप बच्चों को लहसुन खिलाते हैं तो उनको इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उनसे फाइट करने के लिए जो लहसुन है बहुत अच्छा काम करता है तो आप बच्चों को लहसुन दीजिए अगर वो ऐसे नहीं खाते मतलब जैसे आपने खाने में बनाया तो वो खड़ा लहसुन नहीं पसंद करते तो आप उन्हें पीस कर खिला दीजिए कैसे भी करके सब, उसको पीस करके अपनी सब्ज़ी में मिक्स करके उन्हें खिलाइए बट उन्हें लहसुन ज़रूर खिलाइए ताकि उनके जितने भी शरीर में बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए इससे क्या होता है ये है ना जो बच्चों को पतलेपन बच्चे के पतलेपन को दूर करता है और आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है वो भी बढ़ाता है आपकी शारीरिक ऊर्जा को ये मजबूत करता है आपकी बॉडी को स्ट्रांग करता है तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा है बच्चों के लिए तो उन्हें ज़रूर दीजिए उन्हें किसी भी प्रकार की जो बीमारी है ना वो टच नहीं करेगी उन्हें किसी भी चीज़ का जल्दी इन्फेक्शन नहीं होगा तो अगर आप लहसुन अपने खाने में उन्हें मिलाकर बच्चों को खाने में सब्जी में मिलाकर खिलाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा बच्चों को आलू खिलाएं अगर आप बच्चों को आलू खिलाएंगे तो आपके जो बच्चे हैं ना वो पोस्ट एकदम गोलू मोलू से एकदम हेल्थी होंगे इससे क्या होता ना पतला पो पतलापन जो है ना बच्चों का वो दूर होता है आप बच्चों को उबाल कर आलू खिलाएं या सब्जी में मिक्स करके आलू खिलाएं जैसे वो खाना पसंद करें उन्हें वैसे खिलाएं लेकिन उन्हें हर्स पोस्ट गोलू मोलू बनाने के लिए आलू ज़रूर खिलाएं दूध दें अपने बच्चों को हर दिन दूध दें क्योंकि दूध जो होता है दूध में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जिन बच्चों को कैल्शियम की कमी होती है तो दूध पीने से उनकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाती है जो भी है क्योंकि कैल्शियम दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता जो जो बच्चे ना क्या होता है खेलने कूदने में थकावट फील करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं तो उन्हें उन्हें दूध जो है ना बहुत ज़रूर ज़रूर पीना चाहिए मेरे ख्याल से तो पीना ही चाहिए क्योंकि बच्चों को तो रोज़ दूध पीना चाहिए दूध नहीं पीते तो उन्हें दही दीजिए दही अगर नहीं खा रहे हैं आपके बच्चे दूध दही खाना कम खाते हैं तो उन्हें दूध से बनी कोई भी चीज़ दीजिए दूध के बाद दही ही आती है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है यदि किसी भी कारणवश क्या होता है ना मतलब जैसे उनकी उनकी माएँ हैं बच्चे को अपने दूध नहीं दे पाती हैं उनके बच्चे किसी भी कारणवश दूध नहीं पी पाते हैं तो ही जो है वो दूध की कमी को पूरा कर सकता है तो उसे दही दीजिए दही दीजिए दही नहीं खाते तो दूध से बनी कोई भी चीज पनीर वगैरह कुछ भी दीजिए तो जिससे उन्हें क्या होगा ना भरपूर मात्रा में उन्हें कैल्शियम मिलेगा जो उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों को गे... ये है ना बच्चों को वो दाल में डालकर पिलाएं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा टमाटर खिलाएं बच्चों को ना टमाटर खिलाएं उससे क्या होगा उनका जो शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छे से होता है मतलब उनके शारीरिक विकास में कोई भी परेशानी नहीं आती अगर वो टमाटर खाते हैं वो बीमारियों के टच में नहीं आते वो क्या होता अगर है अगर टमाटर खाते हैं तो वो एकदम बीमारियों से एकदम सेफ़ रहते हैं बीमारियों से एकदम दूर रहते हैं उन्हें किसी भी टाइप का फंगस इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है उनका जो टमाटर खाने से क्या होता है जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग रहेगा क्योंकि डायजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है जिन लोगों क्या होता है ना बच्चों को दाँत निकलते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो अगर मतलब टमाटर का सेवन करें कराएंगे आप अपने बच्चों को तो इससे क्या कहना जो दाँत निकलने की जो प्रॉब्लम है ना उसमें जितने जितना पेन होता है तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी बहुत सी बच्चों की जनरल नॉलेज की आपके बच्चों की केयर की बहुत सी वीडियोज कर आए और आपसे शेयर करें तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं तो फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी वापस आएंगे आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ नाइस